टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी बा और अनुपमा के साथ, जो जूस कॉर्नर के पास खड़ी होंगी, जहां पर बा अनुपमा से कहेंगी कि मैं तेरे घर छोड़कर जाने के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अनुपमा यहां पर रिप्लाई करती है कि बा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, बस ऐसा है कि मैं काव्या और वनराज को एक साथ एक छत के नीचे बार बार नहीं देख सकती। जैसे ही बा अनुपमा खूब सारी चिट चैट करके घर लौटते हैं, वो देखते हैं कि काव्या वनराज एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। बा यह देखकर बहुत ज़्यादा नाराज होती है और काव्या पर चिल्लाती है। एक बार बा कहती है कि अनुपमा ये क्या कर रही हैं, इन लोगों में तो बिल्कुल भी शर्म है नहीं, वगैरह वगैरह। जैसे ही बा अनुपमा वहाँ से चले जाते हैं, वनराज भी काव्या को चिल्लाता है और कहता है कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारा बचपना आखिर कब ख़त्म होगा। तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि समर अनुपमा से प्रॉमिस करेगा और कहेगा कि माँ, आप और मैं फ्यूचर में हम दोनों बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे और हम सब कुछ ठीक कर देंगे। समर की बात सुनकर अनुपमा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ एक दूसरे को वो हग करते हैं। तभी अनुपमा वनराज को सारे लीगल प्रॉपर्टी पेपर्स देगी और वनराज से कहेगी कि मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं चाहिए। काव्या यहाँ पर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। तभी वहाँ पर फैमिली पूरी मिलकर इन्फॉर्म करेगी अनुपमा को कि उसके डांस क्लास में 100 स्टूडेंट हो गए हैं और उनकी अकेडमी भी काफ़ी बड़ी होने वाली है। इस बात को सुनकर अनुपमा भी खुश हो जाएगी और यहाँ पर छोटा सा सेलिब्रेशन दिखाया जाएगा, जिसमें अनुपमा अपनी खुशियों को एक बार फिर से जीती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि वनराज पूरे परिवार को एक साथ खुश देखकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेगा और यहीं हो जाएगा एपिसोड का एंड, जहाँ पर पा के दरवाज़ा खोलती है और यहीं पर होगी शॉकिंग ट्विस्ट की शुरुआत। आखिर क्या होने वाला है पाखी के घर लौटने से, ये बताएंगे आपको कल रात के एपिसोड में।